है एवरीवन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंडोक्राइन फिजियोलॉजी से फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन और एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन रेगुलेट कैसे होते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहले हम देखते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में तो जो आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी है ना उसको क्या कहा जाता है मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्यों मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि ये रेगुलेट करती है मैनी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड थ्रू इट्स हार्मोन आप भी जानते हैं बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिसको रेगुलेट करने का काम हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी करती है बट एंटीरियर पिट्यूटरी के कितने पार्ट्स होते हैं देखिए एक होती है एंटीरियर पिट्यूटरी एक होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी लेकिन हम मेनली बात कर रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी की एंटीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन की तो एंटीरियर पिट्यूटरी के कितने पार्ट होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के तीन पार्ट होते हैं फर्स्ट वन इज पार्स सेकंड सेकेंड स्पार्स ट्यूब्रैलिस थर्ड इजार्स इंटरमीडिया तो जो पार्स डिस्टैलिस है आप यहाँ देख रहे हैं पार्स डिस्टैलिस इसको बोलते हैं पार्स जुब्रैलिस इस पार्ट को बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया इस पार्ट को बोलते हैं तो ये तीन पार्ट मिलकर के आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी बनाती है ठीक है तो ये है आपने देखा एंटीरियर पिट्यूटरी अब देखिए ये एंटीरियर पिट्यूटरी है इसको रेगुलेट कौन करता है इसके सिक्रीशन कैसे आते हैं ये हम देखते हैं तो आप सभी ने नॉर्मल अपनी ट्वेल्थ क्लास की फिजियोलॉजी इलेवंथ क्लास की फिजियोलॉजी में पढ़ाई होगा कि एंटीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस बट हाइपोथैलेमस कैसे रेगुलेट करता है, रेगुलेट करता है कुछ हार्मोन या फिर अगर ने भेजा, इसका मतलब है एंटीरियर को अब ऐसा भेज, रिलीज करना है जो किसी चीज के मतलब एक्टिवेट करवाए या सिक्रीशन करवाए और अगर हाइपोथैलेमस से सिग्नल आया इनहिबिटरी हार्मोन का मतलब पिट्यूटरी से कोई एक ऐसा हार्मोन रिलीज करवाना है जो किसी दूसरे दूसरी ग्लैंड से इनहिबिट करे उस चीज के सिक्रेशन को तो अब हम देखते हैं हाइपोथेलम कंट्रोल एंटीरियर पिट्यूटरी बाय सिक्रेटिंग द रिलीजिंग एंड इनिबिटरी हार्मोन जो मैंने अभी आप लोगों को बताया विच आर कॉल्ड इज न्यूरो हॉर्मोन तो जो आपके हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन होते हैं उन्हें हम न्यूरो हॉर्मोन कहते हैं क्यों क्योंकि हाइपोथैलेमस में जो हारमोन बनते हैं वो न्यूरोन्स में बनते हैं दीज हार्मोन्स फ्रॉम हाइपोथैलेमस आर ट्रांसपोर्टेड एंटीरियर पिट्यूटरी थ्रू हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल वेसल ये जो कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि ये जो हाइपोथैलेमस है उससे एंटीरियर पेट्यूटरी में जो हार्मोन पहुंचते हैं वो पहुंचते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल वेसल से पहुंचते हैं सम स्पेशल नर्व सेल प्रेजेंट इन वेरियस पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस सेंड देयर नर्व फाइबर टू मीडियन एमिनेंस एंड ट्यूबर सिनेरियम। अब इनका ये कहने का मतलब है कि जो हाइपोथैलेमस है क्योंकि ये इसके अंदर नर्व फाइबर्स होते हैं तो यहाँ पर जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं यहाँ के जो न्यूरॉन होते हैं उनका जो नर्व एंडिंग होती है वो इधर तक आती है मीडियन एमिनन्स तक आती है वहाँ उसके एग्जोन्स आते हैं तो जो ये हार्मोन हॉर्मोन्ट करते हैं हाइपोथैलेमस है, है, में हार्मोन जो बनाते हैं नर्व सेल्स तो वो अपने एग्जॉन्स के थ्रू अपना हारमोन कहाँ ला छोड़ देते हैं मीडियन एमिनन्स और ट्यूबर सीनेरियम में छोड़ देते हैं मीडियन एमिनन्स और ट्यूबर टू, सीनेरियम में अब यहाँ से फ्रॉम हियर द हॉर्मोन्स ट्रांसपोर्टेड बाई ब्लड वाया हाइपोथेलेमो हाइपोफाइशियल वेसल टू एंटीरियर पिट्यूटरी आप देखिए ये क्या कह रहे हैं कि जो यहाँ पर आपके हॉर्मोन्स इन्होंने रिलीज करवाए मीडियन एम्बुलेंस में यहाँ से ब्लड वेसल्स के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी में हारमोन चला आता है तो ये आपने देखा किस तरह से हार्मोन हाइपोथैलेमस में बनता है और कैसे वो एंटीरियर पिट्यूटरी में आता है अब आप देखिए कि कौन कौन से हार्मोन हैं जो इस तरह से हाइपोथैलेमस में बनते हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी में आते हैं तो जल्दी से देख लीजिए ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ये क्या करते हैं स्टिमुलेट करते हैं रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी सेकेंड वन इज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड ये हार्मोन हाइपोथैलेमस में बनते हैं और स्टिमुलेट करते हैं द रिलीज ऑफ जी एच आर एच मतलब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन के रिलीज को स्टिमुलेट करवाते हैं और ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को स्टिमुलेट करवाते हैं ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन कभी कभी ग्रोथ हार्मोन जब ज़्यादा निकलने लग जाए तो उसको रोकना भी है तो वहाँ से जो हाइपोथैलेमस से सिग्नल आता है कि आपको ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को अब रोकना है तो सिग्नल क्या आता है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन का सिग्नल आता है जिसे हम सोमेटोस्टेटिन भी कहते हैं जो रिलीज जो इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को नेक्स्ट वन इज थायरोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन ये क्या करते हैं स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ थायरोयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायरॉड स्टिमुलेटिंग हार्मोन

इनिबिट्री हार्मोन है और ऐसा माना जाता है और ये क्या करता है इनिबिट करता है प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन को कहाँ से एंटीरियर पिट्यूटरी से और ऐसा माना जाता है कि प्रोलैक्टिन एक डोपामीन की तरह काम करता है अब हम बात करते हैं ये तो हमने देख लिया कि हाइपोथैलेमस से कौन से हार्मोन निकलते हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी को कैसे कंट्रोल करते हैं अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं तो एंटीरियर पिट्यूटरी से मेनली सिक्स हार्मोन्स निकलते हैं हार्मोन पहला है ग्रोथ हार्मोन सेकेंड वन इज थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो थायरॉयड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है थर्ड वन इज एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिंग हार्मोन जो एड्रीनल ग्लैंड को किसिक्रिएशन को कंट्रोल करता है और ये निकलता है एंटीरियोपेटरी से नेक्स्ट वन इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन उसके बाद है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल में निकलता है और मेल में निकलता है इंटेस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आई एस जो मेल में निकलता है एंड लास्ट वन इज़ प्रोलैक्टिन तो इस तरह से हमने एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में जाना एंटीरियर पिट्यूटरी को कौन से हार्मोन कंट्रोल करते हैं ये जाना और आपको मेनली याद रखना है कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं ओके तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मैंने ये पहला वीडियो एंडोक्राइन की एंडोक्राइन फिजियोलॉजी पर अपलोड किया था जो यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड करूँगी एंडोक्राइन का ही सेकेंड वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक here bye bye